गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, मेकिंग ए टेस्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटल्स. इसके अंदर क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन. इन क्लास 7th यू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, क्लास 7th में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया होगा. ठीक है, अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सभी के बारे में स्टडी की होगी. ठीक है, यू कैन रिकॉल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसके थ्रू फ्लो होती है, थ्रू वायर्स एंड अप्लायंसेस. ठीक है, तो अप्लायंसेस और वायर्स के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. इन द टर्म्स करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं. ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू कंडक्टर. मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो ओनली किससे फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ओनली कंडक्टर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर टू नो वेदर वॉटर एंड अदर लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि वाटर और अदर लिक्विड्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती. ठीक है, तो इफ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाट फिनोमेना आर इन्वॉल्व. अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, तो ये कौन सी फिनोमेना के अंदर आते हैं, कौन सी फिनोमेना को इन्वॉल्व करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट अस रिवाइज टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. ठीक है, अब गुड कंडक्टर क्या होते हैं, तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर. मटेरियल्स कैसे वाले मटेरियल्स, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं थ्रू देम, अपने अंदर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स. ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं. वेयर एज रबर, प्लास्टिक, वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो रबर, वुड और प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे हमने क्या देखा, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाता है, जो बैड कंडक्टर होते हैं उसमें से करंट इजीली फ्लो नहीं होता या करंट फ्लो ही नहीं होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में देखी. ठीक है, अब टेस्टर हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, जो मेकिंग ए टेस्टर. टेस्टर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए हम लोग घर में यूज करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर. इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो टेस्टर इज ए सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग वायर. हमारा टेस्टर क्या है, एक सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग वायर है. ये बल्ब और एक कंप्रेस और ए एलईडी. एलईडी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड एंड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू चेक वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट थ्रू ए मटेरियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक टेस्टर कुछ नहीं है, एक सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग वायर है. वायर, बल्ब, कंप्रेस या फिर कंपास और एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड एंड ए सोर्स ऑफ करंट टू चेक द करंट फ्लोइंग थ्रू द
मटेरियल, मटेरियल से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या होता है। अब आगे हैं, टेस्टर कैन बी मेड बाय कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो टेस्टर होते हैं वो किससे मेड अप होते हैं, आर मेड बाय कंडक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए बल्ब वायर एंड सेल आर शोन इन फिगर। जो टेस्टर होते हैं वो उसमें क्या क्या किस चीज से मेड अप होते हैं या कंस्ट्रक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बल्ब, वायर एंड सेल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी इस तरीके का होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मटेरियल जिसको भी हमको टेस्ट करना है उसको हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल है मान के चलते हैं बल्ब। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसमें से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा, उसको हम लोग क्या करते हैं सर्किट के थ्रू चेक करते हैं। ये सर्किट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें एक सेल कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है और मटेरियल जिसको भी हमको टेस्ट करना है उस वो भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यू नो दैट मैग्नेटिक कंपास शो द डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज बॉट नियर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है ये क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। किस चीज का डिफ्लेक्शन, जो करंट इस भी सर्किट से फ्लो होगा उसमें डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो व्हेन द बॉट टू नियर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी किसी सर्किट में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वहां पे हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं तो क्या होता है, उससे मैग्नेटिक जो कंपास होता है उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ए करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स ए मैग्नेट। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होने लगता है, जो कंडक्टर है वो किस तरीके से बिहेव करने लगता है, एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एंड प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन द कंपास नीडल, तो कंपास नीडल में क्या होने लगता है, डिफ्लेक्शन ऑकर हो जाता है। ठीक है, इवन फॉर ए वेरी फीबल इलेक्ट्रिक करंट शोन इन द फिगर। इस सर्किट में देख सकते हैं कि बहुत, अगर जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके पास में जब हम किसी कंपास को लेकर जाते हैं तो होता क्या है, उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, किसमें कंपास की जो नीडल होती है उसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग एलईडी यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, ए एलईडी कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो एलईडी होती है वो हम लोग किस पर्पज के लिए करते हैं, यूज टू डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को चेक करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक एलईडी का यूज करते हैं। एलईडी हैज द टू स्मॉल एंड थिक वायर। एलईडी क्या होती है, उसमें दो स्मॉल और थिक वायर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी में दो यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, इन टर्मिनल को हम लोग थिक वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लीड्स होते हैं, कमिंग आउट ऑफ इट, इससे क्या होते हैं, दो लीड्स इसको बोलते हैं। द लॉन्गर लीड ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एक इसमें लॉन्गर लीड होती है, मीन्स एक लॉन्गर टर्मिनल होता है और एक शॉर्टर टर्मिनल होता है। जो लॉन्गर टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड शॉर्टर लीड टू कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मीन्स इसका जो लॉन्गर टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एंड जो शॉर्टर लीड होता है उसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देखा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं या गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो गुड कंडक्टर जिसमें से करंट इजिली फ्लो हो जाता है, बैड कंडक्टर जिसमें से करंट इजिली फ्लो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि टेस्टर किस तरीके से बनाते हैं, तो टेस्टर क्या है, कुछ नहीं है, दो वायर्स, एक मतलब एक इलेक्ट्रिक वायर्स, उसके एक बल्ब, एक एलईडी कनेक्ट कर देते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो उसमें से अगर करंट फ्लो होता है तो वो बिहेव करने लगता है, एज ए करंट को चेक करने के लिए बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टेस्टर जो मेडअप होता है वो बल्ब कनेक्टेड है, सेल कनेक्टेड है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट पास होता है और उसके पास में जब हम मैग्नेटिक नीडल को लेकर जाते हैं तो क्या होने लगता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, और जब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा तो उस डिफ्लेक्शन का मतलब हो जाता है कि वो क्या होता है, उसमें से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब एलईडी का यूज करते हैं डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं एलईडी इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक,
LED is connected to positive terminal, battery negative terminal, connected to negative terminal. ठीक है, तो बैटरी. सो स्टूडेंट, दैट इज सफिशियंट फॉर टुडेज टॉपिक. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू सो मच.